नवी मुंबई के शेतकरी समाज हॉल में रविवार को 6 नवी मुंबई टाइक्वांडो चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। इस टाइक्वांडो चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने के लिए पूरे मुंबई, ठाणे, रायगढ़, वसई, कल्याण, लोनावला की 11 अकेडमी से 225 खिलाड़ी आए थे, जिसमें सभी खिलाड़ियों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया।
विक्ट्री टाइक्वांडो एकेडमी नवी मुंबई की विन्नो टीम ने इस चैंपियनशिप में प्रथम स्थान प्राप्त किया और टाइगर टाइक्वांडो एकेडमी लोनावला इस चैंपियनशिप की प्रथम उपविजेता, वीआरएस एकेडमी मुंबई द्वितीय उपविजेता, टीम चैलेंजर फाइटर टाइक्वांडो एकेडमी तृतीय उपविजेता रही। विजेताओं को इस वक्त पारितोषिक देकर सम्मानित भी किया गया। वार्ड नंबर 44 के एक्स कॉर्पोरेटर रविकांत पाटिल, साई प्रेम डेवलपर्स के मिस्टर विजय नाना हीरे, समाज सेवक मिस्टर सुधान और मिस्टर अविनाश और नवी मुंबई आवास चैनल के डायरेक्टर संदीप गुप्ता को यहां पर मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। आयोजक कमलेश शंभारकर ने इस चैंपियनशिप के बारे में अधिक जानकारी दी। गुड इवनिंग एवरीवन, आज हमने नवी मुंबई में 6 नवी मुंबई ओपन नेशनल टेकोडो चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज की है। ये चैंपियनशिप रखने का मोटो है कि ज्यादा से ज्यादा प्लेयर को प्लेटफॉर्म मिले खेलने के लिए और हमारे नवी मुंबई से ज्यादा प्लेयर स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे खेले ताकि उनका नाम हो, उनके पेरेंट्स का नाम हो, स्कूल का नाम हो उनके। और ज्यादा से ज्यादा हमें सपोर्ट मिला है पेरेंट्स से और जो भी हमारे एकेडमिक्स आई थी, टीचर्स आए थे नवी मुंबई बाहर से, पालकर,
माननीय लोनावलापुरा से, इन्होंने बहुत सारा सपोर्ट दिया और ये इवेंट को सक्सेसफुल करने के लिए मीडिया पार्टनर के लिए है रवि मुंबई आवाज चैनल और इसके डायरेक्टर है श्री गुप्ता, तो मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। हरीश सावंत की रिपोर्ट, एनएम आवाज़।